हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ इंस्टेंट गाजर के अचार की रेसिपी। ये बहुत सिंपल एंड इजी है। तो सबसे पहले मैं गाजर को छील लूँगी और उसके बाद मैं इन्हें कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये क्विक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ एंड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सअप, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पर शेयर करें, आप इसे शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो बस मैं गाजर को इस तरह से कर लूँगी और फिर दो हिस्से में डिवाइड कर लूँगी और बीच वाला हिस्सा निकाल लूँगी और उसके बाद स्ट्राइप की तरह इन्हें कट कर लूँगी। गाजर ऐसे ही कट करेंगे तो हमारा अचार बहुत अच्छा दिखेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल रेसिपी है, आप खाने के टाइम पर बनाइए। लंच या डिनर के साथ आप खा सकते हैं, तो आपको जब भी खाना है तभी बनाइए, क्योंकि पहले से बनाकर रखने में ये मॉइस्चर आ जाता है उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बाउल में ऐड करूँगी आधे नींबू का रस, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक एंड 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट ले लिया है। आप इसमें टमाटर भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं लिया है क्योंकि मेरे घर में नहीं खाते, लेकिन टमाटर वाला भी बड़ा टेस्टी बनता है। मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑयल और अच्छे से मिक्स करके मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर दूँगी। आप इसमें जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो, ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने वो सब ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा कम स्पाइसी चाहिए। तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी यानी कि धनिया पत्ती, और फिर से अच्छे से मिलाकर मैं इसे सर्व कर लूँगी। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से मैं इन्हें मिक्स करके इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ती ऐड कर दिया है और मैंने इसको इस तरह से सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स, मुझे पता है ये बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें शेयर करने जैसा भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मुझे कॉमेंट करके बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।